एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि भेज रही है, तो वहीं सूबे की योगी सरकार किसानों की आय दुगनी करने में जुटी है। लेकिन वहीं गोवर्धन क्षेत्र के गांव अड़िंग सहित समस्त ग्रामीण अंचलों के किसान बेहाल हैं। यहां गेहूं की अच्छी पैदावार के बाद किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ रही है। मौजूद हालत है की तस्वीरों में किसानों की परेशानी बढ़ा कर रही है। यहाँ 20 दिन पे बीतने के बाद भी गांव अड़िंग क्रय केंद्र पर किसानों के गेहूं की तुलाई नहीं हो पा रही है। टोकन लेने के बावजूद अब तक गेहूं नहीं बिक रहा है। किसानों का आरोप है कि अड़िंग क्रय केंद्र पर किसान 20 दिनों से अपने गेहूं को लेकर रात और दिन रखवाली कर रहे हैं। यहां गाय, बंदर और अन्य जानवरों के डर से किसानों को रात को यही क्रय केंद्र पर सोना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी खुले में पड़ा किसान का गेहूं बर्बाद हो रहा है। लेकिन यहाँ क्रय केंद्र पर समय से तुलाई न होने से किसानों में रोष व्याप्त है। क्रय केंद्र पर कभी वादा ना आने के बहाने तो लेवर ना आने की बहाना दिया जाता है, जिससे किसान खासे परेशान है। भगवान दास यादव, क्या वो समस्या आप ले भी बता रहे थे कि तुलाई नहीं हो रही, क्या वो? हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे बारदाना नहीं था, अब बारदाना आ गया है शुक्रवार को, और शुक्रवार से अभी तक जो है तुलाई नहीं हो रही है। यहाँ शुगर, बंदर किसानों को परेशान कर रहे हैं, रात को सोना पड़ता है, किसान इतना परेशान है और कोई सुनवाई नहीं है। कभी तो कह देते हैं, कभी नंबर पे नहीं चढ़े हैं कट्टे, वहाँ से वो होगा ये होगा, और गेहूं का तुलाई का कोई वो नहीं है सिलसिला। इस पे तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन से। मेरा नाम महेश चंद सैनी है, यहीं अड़िंग के रहने वाले हैं। क्या को समस्या बता रहे हैं? समस्या ये है कि गवर्नमेंट ने ऊपर से आदेश कर दिए कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद में भी जिसको डेट मिली है उस हिसाब से किसी की कोई तुलाई नहीं हो रही। 31 तारीख का मेरा रजिस्ट्रेशन था, 31 को जब मैं यहाँ आया तो मुझसे कह दिया गया अभी तो 23-24 वाले तुल रहे हैं, आप 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद फिर मैं यहाँ आया, फिर भी ये कह दिया गया कि और 2 दिन बाद आना। फिर मैं आज आया हूँ, आज भी यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी भीड़ लगी हुई है, किसान भी बैठे हुए हैं, कोई तुलाई का कार्यक्रम अभी तक चालू नहीं है। बारदाने की हमने जो इंचार्ज है उनसे बात की तो बोले बारदाने की समस्या है हमारे सामने, बारदाना नहीं आ रहा टाइम से। अभी बता रहे हैं कि बारदाना परसों आ चुका है यहाँ पे, परसों से अभी तक कोई तुलाई नहीं हो रही है, लेकिन बारदाना कम आ रहा है। 2000 कट्टे आए, 2000 कट्टे ये पूरा यहाँ जो इकट्ठा पड़ा हुआ है माल ये भी नहीं भरा जाएगा, बारदाना भी पूरा आए। तुलाई की समस्या है, सचिव यहाँ कभी आते नहीं है तो कोई दिखता नहीं है। अधिकारी आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं यहाँ बारदाना आ रहा है, लेकिन बारदाना की पूर्ति नहीं हो रही है, तुलाई भी बिल्कुल नहीं हो रही है। बंदरों का, शुगरों का, गायों का, गेहूँ का इतना नुकसान है, तुम देख रहे हो यहाँ कितने चारों तरफ गेहूँ फैले पड़े हुए हैं। ये कट्टे भरे हुए थे, ये भी खाली पड़े हुए हैं यहाँ पे, सब इनको शुगर खा गए, बंदर खा गए, फाड़ जाते हैं। कभी कभी किसानों पर भी बंदर हमला कर देते हैं। बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ तुलाई नहीं हो रही है लेवी की पूर्ण रूप से बिल्कुल भी। अब क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि तुलाई हो, इसमें तुलाई में थोड़ा सा रेस बढ़े, टाइम से तुलाई हो। जो किसान परेशान है वो अब किसान अपने खेतों में काम देखें या 15-16 दिन यहीं पर पड़े रहें, बारदाना आए, तुलाई शुरू हो, काम शुरू हो तो तुलाई हो जाए। क्या नाम आपका? होशियार सिंह। कहाँ के रहने वाले? भवनपुरा। क्या कुछ समस्या बता रहे हैं? समस्या ये हमें 15 दिन हो गए यहाँ पड़े, मच्छर खा रहे हैं, सुअर खा रहे हैं, गाय खा रही हैं, सब तरीका से नुकसान है। काम दाम छोड़ के यहीं पड़े हैं रात दिन, न तो तुलाई भाई, न कभी बारदानों ना आवे, कभी कोई कारण है जाए, शनिवार को बारदानो आयो, आज तक सोमवार है, 3 दिन तो ये हो गए, कोई तुलाई नहीं हुई अभी तक। आप सचिव साहब से बात करते हो, वो क्या कहते हैं? सचिव साहब कोई आई ना, यहाँ जो इंचार्ज है उन्हीं से बात करते हैं, बोले कि साहब चढ़ी नहीं है अभी गांठ, ऑनलाइन सिस्टम है, जो चढ़ेंगे तब सोमवार को तुलाई होगी।